चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। ২০১৮ में अगर भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म सबसे ज्यादा कमाई किया है तो वो है सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म वांटेड ने। जी हां, 2018 में पवन सिंह की वांटेड ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई किया और फिल्म ने 50 दिन का शानदार बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन किया। लेकिन अब उसके बारे में एक ऐसी खबर आ रही है जिसे हर कोई भोजपुरी दर्शक जानना चाहता है। जी हां, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही वांटेड का सीक्वल बनाने की घोषणा किया गया था। जी हां, यानी कि वांटेड का सीक्वल होगा वांटेड 2, जिसमें एक बार फिर से सुपरस्टार पवन सिंह नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ इस फिल्म की शूटिंग का कोई खबर नहीं आ रहा था, लेकिन आपको बता दें कि वांटेड 2 के बारे में खबर आ रही है कि होली के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू किया जाएगा और एक बार फिर से वांटेड 2 को डायरेक्ट करेंगे भोजपुरी के सबसे पॉपुलर डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह, जिन्होंने सुपरस्टार पवन सिंह के साथ वांटेड बनाई थी। अब देखना यह है कि होली के बाद कब से शूटिंग शुरू किया जाएगा, ये डेट खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक वांटेड का सीक्वल के बारे में भी अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, ना ही फिल्म के डायरेक्टर, ना ही फिल्म के प्रोड्यूसर या फिर फिल्म के एक्टर पवन सिंह के बारे की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन खबर आ रही है कि होली के बाद वांटेड 2 की शूटिंग एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। खबर तो यहां तक है कि वांटेड 2 की शूटिंग इंडिया से बाहर किया जाएगा, नेपाल और थाईलैंड जैसी जगहों पर फिल्म की शूटिंग करने की तैयारी चल रही है। अब देखना यह है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, यह आने वाले दिन में कन्फर्म हो जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए।